नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप रिमोट में बैटरी लगाने का सही तरीका। बहुत कोई रिमोट में अभी भी बैटरी लगाना यूज करना नहीं जानते हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप बैटरी को लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक रिमोट पकड़ा है, देखिए ये रिमोट है। अब इसके साइड ये बैक कवर आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको एक देखिए यहाँ पर लॉक लगा हुआ, आपको गौर से देखिए वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है एक लॉक लगा हुआ है रिमोट के पीछे का। तो चलिए लॉक को हम ऐसे करके दबा के, देखिए ऐसे करके दबा के आपको खोल देना है, देखिए इस तरह से। खोलने के बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो स्प्रिंग बने हुए हैं। स्प्रिंग मतलब आप तो जम समझ सकते हैं, देखिए हम ये देखिए ये है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है और ये एक साइड ये स्प्रिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको सिर्फ यहाँ पर एक प्लस लिखा हुआ है और एक माइनस, और यहाँ भी इधर भी आपको लिखा हुआ। तो दोस्तों आपको देखिए बैटरी में, देखिए इस तरह का बैटरी रहेगा आपको, ये बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं प्लस ऊपर का प्लस है, और ये पीछे साइड का ये देखिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ। देखिए हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ। तब समझ गए कि आपको प्लस किधर है और माइनस किधर है ये बैटरी में। तब चलिए हम यहाँ रिमोट को पकड़ते हैं, और यहाँ पर आपका चित्र भी बना हुआ है, देख सकते हैं बैटरी का कितना वोल्ट का बैटरी लगाना हो वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपको कितना वोल्ट का बैटरी लगेगा, अगर आप इससे ज़्यादा का बैटरी लगाते हैं तो आपका रिमोट ख़राब हो सकता है। जो वोल्ट इसमें दिया गया है वही वोल्ट का आपको लगाना है। तो देखिए बैटरी को आपको इस प्रकार से लगा देना है, यहाँ पर इस प्रकार से प्लस प्लस की ओर जाएगा माइनस, इसी तरह यहाँ भी आप इस तरह से लगा। अगर आप बैटरी को उल्टा लगाएंगे तो आपका रिमोट खराब हो सकता है। दोस्तों अगर आप बैटरी उल्टा लगाते हैं तो आपका रिमोट खराब हो सकता है। आपको सिंपल देखिए आपको बैटरी लगाने का तरीका हमने बता दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हमने सही लगाया है बैटरी, आप गौर कीजिए क्या इसमें हमने सही बैटरी लगाया है। देखिए एक बैटरी हमने उल्टा लगा दिया है, तो चलिए हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका प्लस चिन्ह दिख रहा होगा, और बैटरी में भी देखिए यहाँ पर किधर गया, ये देखिए प्लस चिन्ह है, तो प्लस है सो प्लस की तरफ जाएगा, यानी ऐसे करके। तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग की तरफ ऐसे लगाना होगा, क्योंकि स्प्रिंग जैसे ही
ये अप डाउन होगा, ये देखिए यहाँ पर अप डाउन होगा, ये बैटरी अपने खप जाएगा। तो इस तरह से आप बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी लगाने के बाद आपको देखिए ये ढक्कन में देखिए यहाँ पर एक निकला हुआ है थोड़ा सा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर पहले यहाँ खपा दे ऐसे करके, फिर देखिए इसको आप यहाँ पर खपाने के बाद इसको जानते हैं आपका लग जाएगा। अब खोलना होगा तो इसको आपको ऐसे करके दबाना होगा, देखिए ऐसे करके आपको दबाना है। इस तरह से आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिमोट को कैसे जानेंगे कि इसमें आपका बैटरी जो लगा हुआ है वो सही है या गलत है, खराब है या वो किस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।